उपभोक्ता फोरम के द्वारा ग्राहक के हित में फैसला लेकर ग्राहक को न्याय दिलाया गया। उपभोक्ता मोहन माली ने अपने दो पहिया वाहन का बीमा 2 जनवरी 2017 को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से करवाया था, जिसकी पॉलिसी 11 जनवरी 2017 को जारी की गई और 18 जनवरी 2017 को डाक पत्र द्वारा सूचना दी गई कि आपके वाहन का बीमा रद्द कर दिया गया है एवं 250 रूपए अर्थदंड सहित बीमा राशि नगद लेकर कार्यालय पहुंचे। कारण पूछने पर बताया गया कि आपका चेक बाउंस हो गया है, जो कि अकारण ही रद्द कर दिया गया। बैंक एवं बीमा कंपनी से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मोहन माली ने उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत किया, जिसमें फोरम ने बीमा कंपनी की सेवा में त्रुटि मानते हुए 7,417 रूपए 9% ब्याज की राशि सहित जुर्माना एवं 2,000 रूपए वाद व्यय के रूप में भुगतान करने की आदेश उपभोक्ता के हित में दिया। इसकी पैरवी अधिवक्ता अजय शंकर जोशी ने की। तो इसका इंश्योरेंस करने के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने किया था, जिसकी प्रीमियम करीब 1,200 रुपये बनती है। उस राशि का मैंने एक चेक मेरे बैंक अकाउंट का दिया था। कंपनी ने उसकी पॉलिसी जारी कर दी। पॉलिसी जारी होने के 7-8 दिन बाद मुझे लेटर मिला कि आपकी पॉलिसी वाहन की रद्द हो चुकी है, क्योंकि आपका चेक बाउंस हो गया है, इसलिए आपकी गाड़ी अब बिना बीमे की हो गई है। जब मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि चेक बाउंस हो गया। बैंक में पता करने पर पता चला कि हमारे पास आपका कोई चेक नहीं आया है और हमने किसी चेक को रिटर्न नहीं किया, आपका बैलेंस है और किसी भी कारण से हमने चेक आपका रिटर्न नहीं किया है, आप बीमा कंपनी से संपर्क करें। जब बीमा कंपनी से संपर्क किया गया तो उनका ये कहना पड़ता है कि नहीं, हमने चेक रिटर्न कर दिया है और आपका बीमा भी रद्द हो चुका है, आप नए सिरे से पेनल्टी दीजिए और नगद राशि लेके आइए तो ही बीमा होगा आपका, वरना गाड़ी बिना बीमे की हो चुकी है, हमारी जवाबदारी नहीं है। संतोषजनक कारण पूछने के पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार पूछा गया कि कारण तो बताइए, क्यों चेक रिटर्न हुआ है, उन्होंने कहा ये नहीं बताते हैं, आपसे जो बने कर लो, हमारे यहाँ से जो हमने रद्द कर दिया तो रद्द कर दिया आपका बीमा। मैंने जब इस असंतोष के कारण उपभोक्ता फोरम में ये बात प्रस्तुत किया तो फोरम ने इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर सारी सुनवाई करते हुए 13 मार्च 2020 को ये फैसला दिया कि इसमें बीमा कंपनी की त्रुटि है, तो उस पर दंड किया उन्होंने और 9% ब्याज सहित राशि लगभग 5,774 रुपये की मुझे बीमा कंपनी से दिलवाई चेक द्वारा, एवं 2,000 रुपये का वाद व्यय जो होता है वो दिया। और इस प्रकरण की पैरवी हमारे अधिवक्ता श्री अजय शंकर जी जोशी ने की थी और उस फैसले से मैं संतुष्ट होने के बाद मैंने इस प्रकरण को ख़त्म कर दिया।